दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर एज डिजिटल पेमेंट्स राइज़ एमिट कोविड-19 एक्सपर्ट्स अर्ज यूजर्स टू टेक प्रिकॉशंस और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख ऑल अब्रॉड द डिजिटल ग्रिड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा youtube चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग काफी बदल गया है कोविड-19 महामारी की उदासी के बीच बीते साल से भारत ने डिजिटल बैंकिंग की नई ऊंचाइयों को छुआ है लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के चलते लोग डिजिटल बैंकिंग को तरजीह दे रहे हैं इसी का नतीजा है कि देश भर में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है ए एस आई वर्ल्ड वाइल्ड की हालिया वार्षिक शोध रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में रियल टाइम लेन देन का आंकड़ा 25 बिलियन को पार कर गया जो 2020 में चीन के पंद्रह बिलियन से काफी ज्यादा है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2025 तक भारत में डिजिटल पेमेंट सभी भुगतानों का इकहत्तर दशमलव सात फीसद हिस्सा होगा वहीं वही द्वारा हाल ही में देश भर में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि सत्तर फीसद भारतीयों का झुकाव अब डिजिटल बैंकिंग की ओर है इनके सुविधाजनक होने की वजह से लोग इसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं इसी के चलते विभिन्न डिजिटल बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग स्टार्टअप अलग अलग प्लान पेश कर रहे हैं भारत में लोग डिजिटल लेन देन के लिए यू डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग आदि का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं यू के जरिए हर महीने करोड़ों का लेन देन होता है भारत सरकार और आर लगातार देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे में वर्ष 2021 के आखिर तक देश में डिजिटल लेन देन चार गुना तक बढ़ने की उम्मीद है इन्हीं उम्मीदों के साथ आइए बात करते हैं भारत में डिजिटल बैंकिंग और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं की सबसे पहले जान लेते हैं डिजिटल बैंकिंग क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाना डिजिटल बैंकिंग कहलाता है इसके जरिए लोग उन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको किसी बैंक ब्रांच में मिलती है आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल बैंकिंग हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग का ही एक प्रकार है डिजिटल बैंकिंग लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है लेकिन डिजिटल रूप से डिजिटल बैंकिंग कागजी कार्रवाई जैसे चेक डिमांड ड्राफ्ट पे इन स्लिप आदि से फ्री होती है डिजिटल बैंकिंग लोगों को सभी बैंकिंग गतिविधियां ऑनलाइन उपलब्ध कराती हैं। डिजिटल बैंकिंग के जरिए ग्राहक बैंकिंग सेवाओं जैसे पैसों का लेन देन या फंड ट्रांसफर बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करना बिलों का भुगतान मोबाइल बैंकिंग बैंक खाते की मॉनिटरिंग आदि प्राप्त कर सकते हैं डिजिटल बैंकिंग का उपयोग लैपटॉप टैबलेट या अपने मोबाइल फोन के जरिए किया जा सकता है कस्टमर्स इंटरनेट के जरिए बैंक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं डिजिटल बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूपीआई, एटीएम आदि शामिल हैं। डिजिटल बैंकिंग में आपका बैंक हमेशा आपके साथ रहता है कस्टमर्स 24 फोर इंटू किसी भी बैंक शाखा में जाए बिना अपना काम कर सकते हैं डिजिटल बैंकिंग से वित्तीय सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आसान हुआ है साथ ही इससे लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने के लिए बैंक जाने की बाध्यता खत्म हो गई है इसलिए लोग तेजी से डिजिटल बैंकिंग को अपना रहे हैं इसके चलते देश में डिजिटल वित्तीय समावेशन भी बढ़ा है आपको बता दें लोगों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग और उन तक डिजिटल पहुंच को डिजिटल वित्तीय समावेशन कहा जाता है अब सरकार समाज के सभी तबकों तक डिजिटल बैंकिंग की पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है इसके चलते देश में बैंकिंग के ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं ऐसे में सवाल है कि हमारे देश में डिजिटल बैंकिंग को लेकर किस तरह के ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं भारत में डिजिटल बैंकिंग के ट्रेंड्स की बात करें तो भारत में वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ रहा है हालांकि 2016 में हुए विमुद्रीकरण के बाद से ही भारत में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन काफी बढ़ गए थे लेकिन कोरोना संकट के बीच देश की डिजिटल बैंकिंग में जबरदस्त उछाल देखा गया साथ ही ऑनलाइन हुए कुल ट्रांजैक्शन में भी ज्यादातर मोबाइल बैंकिंग के जरिए हुए हैं इससे पता चलता है कि देश में कैशलेस का चलन बढ़ रहा है आजकल छोटे व्यापारी और दुकानदार से लेकर बड़े बड़े व्यवसायी तक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग पेटीएम भारत पे गूगल पे आदि की मदद से ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं देश में डिजिटल बैंकिंग का माहौल यह है कि चाहे प्राइवेट बैंक्स हो या सरकारी बैंक्स, लगभग सभी बैंक अपनी सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान कर रहे हैं ग्राहक अपने बैंक की ऐप, वेबसाइट आदि के जरिए डिजिटल बैंकिंग का फायदा उठा रहे हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एन की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर महीने स्मार्टफोन आधारित डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है फिलहाल मौजूदा समय में देश की कुल जी में डिजिटल पेमेंट की हिस्सेदारी तकरीबन दस फीसद बताई जाती है जिसे अगले साल तक बढ़ाकर 15 फीसद तक करने का लक्ष्य है भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल वित्तीय सेवाओं के केंद्र के रूप में उभर रहा है जिसमें यू जैसे समाधान काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक किफायती डिजिटल भुगतान समाधान लाने में महत्वपूर्ण तो भूमिका निभा रहा है फिनटेक कंपनियां पारंपरिक वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को बदलने और हमारे उद्योग के लिए जरूरी पूंजी तक पहुंच बढ़ाने का काम कर रहे हैं सरकार और आर भी लगातार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं ऐसे में सवाल है कि भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस तरह के प्रयास किए हैं सरकार कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है इसी कड़ी में डिजिटल वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इसके लिए सरकार ने कई पहल की हैं यानी जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी ऐसी ही एक पहल है आधार प्रधानमंत्री जन धन योजना के संयोजन और मोबाइल संचार में बढ़ोतरी ने सरकारी सेवाओं के इस्तेमाल के तरीके को बदल दिया है एक अनुमान के मुताबिक मार्च 2020 में जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या तकरीबन 380 मिलियन से ऊपर थी जैम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और इससे गरीब लोग भी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर पा रहे हैं कोविड 19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता राशि जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के जरिए मुहैया कराई गई। डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार पर ध्यान दे रही है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहले की है मसलन दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलना एटीएम की संख्या में वृद्धि करना किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जारी करना बैंकों के साथ स्व सहायता समूहों यानी एस एच जी को जोड़ना बिजनेस कॉर्पोरेट्स बैंकिंग मॉडल अपनाना भुगतान अवसंरचना विकास कोष यानी पी आई डी एफ योजना आदि इस कड़ी में सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एन पी सी आई ने यू पी आई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को मजबूत करके पहले की तुलना में डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित बनाया है इसी तरह आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आधार सक्षम बैंक खाता यानी आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट को किसी भी जगह पर और किसी भी समय एटीएम का उपयोग करने में सक्षम बनाता है ऑफलाइन लेन देन सक्षम करने वाले प्लेटफॉर्म जैसे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यानी यू के कारण भुगतान प्रणाली को और ज्यादा सुलभ बनाया गया है जिससे सामान्य मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट के बिना मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करना संभव हो सके इसी कड़ी में आर ने प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी नामक एक परियोजना शुरू की है इस प्रोजेक्ट का मकसद सेंट्रल बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के विषय में स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स महिलाएं ग्रामीण और शहरी गरीब रक्षाकर्मी और वरिष्ठ नागरिकों में जानकारी का प्रसार करना है इसके अलावा स्कूली छात्रों के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के मकसद से सेबी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ने पॉकेट मनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हैं ऐसे में सवाल है कि भारत में डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी चुनौतियां क्या-क्या हैं यह सच है कि भारत में डिजिटल बैंकिंग काफी तेजी से बढ़ी है लेकिन हमारे देश में डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। डिजिटल बैंकिंग की राह में सबसे बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा की है डिजिटल बैंकिंग ने जहां लोगों का काम आसान कर दिया है वहीं साइबर क्राइम की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। यही वजह है कि लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं हाईटेक साइबर क्रिमिनल लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगा रहे हैं ऐसे में साइबर हमलों से बचाव और डाटा को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी समस्या है साइबर अटैक फिशिंग हमले नेटवर्क स्कैनिंग व तलाशी वेबसाइट हैकिंग और वायरस हमले भी हो रहे हैं डिजिटल बैंकिंग के सामने एक अहम चुनौती नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट लागत के संदर्भ में है अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन फेलियर एक आम बात है इसके अलावा इंटरनेट लागत भी काफी ज्यादा है इसी तरह डिजिटल साक्षरता और समझ की कमी भी डिजिटल बैंकिंग के विकास में बड़ी बाधा है डिजिटल अवसंरचना की कमी के कारण दूर दराज क्षेत्र के लोगों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ पाना मुश्किल है फिर डिजिटल भुगतान को लेकर अभी आम जनता में जागरूकता भी काफी कम है इसके अलावा लोग लेन देन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के यूज को लेकर आशंकित रहते हैं इसके अलावा देश में एक बड़ी आबादी अभी भी डिजिटल बैंकिंग से वंचित है दरअसल देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है यह तबका ज्यादातर लेन देन नकद ही करता है डिजिटल नहीं अगर जनसंख्या का यह हिस्सा भी डिजिटल बैंकिंग के दायरे में आ जाए तो इनका भी डिजिटल वित्तीय समावेशन हो सकेगा डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक समस्या अतिरिक्त शुल्क है जो विक्रेताओं द्वारा लगाए जाते हैं आमतौर पर यह कार्ड ऑनलाइन लेन देन व डेबिट कार्ड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर लगाया जाता है ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह भारत सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को लेकर किया गया प्रयास एक सराहनीय कदम है लेकिन सरकार को इस दिशा में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वित्तीय सेवाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल रुकावटों को खत्म करने की जरूरत है इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है सरकार को डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जरूरी उपाय करने चाहिए अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए सरकार को कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी जैसी मौलिक जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने व डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल साक्षरता एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए देश में डिजिटल अवसंरचना को बेहतर करने की जरूरत है इसलिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ साथ डिजिटल कौशल प्रदान करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए इससे दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब लोग भी जैम ट्रिनिटी जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ने के साथ ही देश में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दरकार है डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आबादी के एक बड़े हिस्से को बैंकिंग नेट के दायरे में लाया जाना चाहिए इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग संगठित क्षेत्र में काम करें डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को देश के हर कोने में बैंकिंग शाखाओं की स्थापना करने में काफी वक्त लग सकता है ऐसे में भावी ग्राहकों तक बैंकिंग गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग संवाददाता मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है जो डिजिटल बैंकिंग के प्रति भी लोगों को जागरूक करें इसके साथ साथ बैंकिंग संवाददाताओं के लिए बेहतर मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ साथ उन्हें बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत है इसके अलावा जैन त्रय योजना के साथ उचित तकनीकी विकास को जोड़कर एक डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क की स्थापना की जा सकती है इसी तरह डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर टैक्स छूट और अन्य लाभ प्रदान करना चाहिए इसके अलावा देश में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नंदन निलेकड़ी समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है आपको बता दें कि जनवरी 2019 में आर ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में पांच सदस्य समिति का गठन किया था इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटलीकरण के जरिए वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के संबंध में परामर्श देना था इस समिति ने देश के डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए कई सिफारिशें की समिति के मुताबिक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार को किए गए किसी भी डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्क को हटाना चाहिए राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं और केंद्रीय विभागों को किए गए डिजिटल भुगतान के लिए उपभोक्ताओं पर कोई सुविधा शुल्क नहीं होना चाहिए आर और सरकार को मिलकर डिजिटल भुगतान व्यवस्था की निगरानी के लिए एक उचित व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए साथ ही समिति ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेन देन पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कम करने की सिफारिश की है अगर इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है तो निश्चित ही इस दिशा में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है अगर मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं तो डिजिटल बैंकिंग के द्वारा गरीबों को भी आर्थिक विकास के लाभ मिल सकेंगे आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल भारत में डिजिटल बैंकिंग की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए साथ ही बताइए इसे बेहतर बनाने के लिए किन उपायों को अपनाने की आवश्यकता है